इस लड़की को गौर से देखिए, ये लड़की कितनी बदनसीब है। 7 जुलाई यानी कि शुक्रवार को इसकी बारात आनी थी, लेकिन बीती रात इसके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई। घर पर सारे रिश्तेदार मौजूद हैं, हलवाई मिठाई बना रहे हैं, टेंट तंबू चारों तरफ लग चुके हैं, लेकिन अब शादी वाले इस घर से बेटी की डोली नहीं पिता की अर्थी उठेगी। यह घटना उत्तर प्रदेश के एटा की है और इस घटना के पीछे एक तरफा प्यार की ऐसी कहानी छुपी है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज, P24 न्यूज की क्राइम सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। एटा के मारहरा थाना क्षेत्र स्थित मीरापुर गांव में माया प्रकाश परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में उनकी माँ, पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। शुक्रवार को उनकी बेटी की बारात आनी थी। घर में शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। गुरुवार शाम मेहंदी की रस्म थी, रस्म पूरी हुई, देर रात पूरा परिवार खाना खाकर सो गया। गर्मी ज्यादा थी तो माया प्रकाश घर के बाहर ही सो गए। अगले दिन सुबह करीब 5 से 6 बजे माया प्रकाश की पत्नी शीला देवी झाड़ू लगाने के लिए पहुंची। देखा तो माया प्रकाश का शव पड़ा था, वो चीख पड़ी। शोर सुनकर परिवार के अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। थोड़ी देर में भीड़ लग गई, घर में कोहराम मच गया। विवाह के मंगल गीत करुणा क्रंदन में बदल गए। मृतक माया प्रकाश के बेटे सूरज ने बताया कि शुक्रवार को उसकी बहन प्रीति की बारात आनी है। घर में ढोल की थाप और मंगल गीत गाए जा रहे थे। बुधवार की देर रात तक गीत व अन्य वैवाहिक कार्यक्रम चल रहे थे। उसके बाद सभी लोग सो गए। पिता माया प्रकाश भी घर के सामने ही चारपाई डालकर सो रहे थे। बगल में दादी फूलवती सो रही थी। पास में ही पिता की मुंह बोली बहन दानवती सो रही थी। सुबह करीब 5 बजे जब उन्होंने अपने पिता को देखा तो उनका गला कटा हुआ था। जानकारी के मुताबिक उसी गांव का एक लड़का आकाश उर्फ अभय प्रताप प्रीति को पसंद करता था, उसे परेशान भी करता था। उसकी हरकतों से तंग आकर प्रीति के घर वालों ने प्रीति की शादी तय कर दी। इसके बाद उस लड़के ने घर में घुसकर शादी कैंसिल करने की धमकी दी थी। लड़की की मां ने बताया, आकाश मेरे पति को धमकी देता था कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। हम लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से नहीं की। आज उसने पति की हत्या कर दी। बेटी हाथों पर मेहंदी सजाए बैठी थी, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वहीं SSP राजेश कुमार ने बताया, धारदार हथियार से एक शख्स की हत्या की गई है। इनके परिवार में आपसी रंजिश बताई जा रही है। आरोपी इनकी बेटी को पसंद करता था। इसके अलावा कई और एंगल से भी जांच की जा रही है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अब देखना होगा कि छानबीन में क्या कुछ सच्चाई सामने आती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।